हे गाइस, व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे लिस्ट ऑफ कोर्सेज आफ्टर टेंथ। मैं वीडियो में क्या क्या बताऊंगा आपको बता देता हूँ। टेंथ के बाद एक ऐसा कोर्स है, सिर्फ 2 साल का कोर्स है, जिसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है 10 लाख तक का पैकेज का जॉब लेने का। ये भी आपको बताऊँगा, जो आज के वीडियो का एक बोनस टिप्स है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूँ, आपके जैसे बहुत सारे लोग इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं। मैं भी इंग्लिश में स्ट्रगल करता था। हमें बहुत अच्छा टीचर मिल नहीं पाते या फिर हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इंग्लिश में खाली बोलने का प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लिख नहीं पाते एग्ज़ाम में अच्छे से, इंग्लिश में हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते। ये तीनों का सलूशन मैंने एक प्रोग्राम में डाला है जो यहाँ पर है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। तीनों चीज़ें, स्पीक, राइट एंड रीड। इसका प्राइस कोई 10,000-5,000 नहीं रखा मैंने, बिकॉज मैंने ऐसे प्राइस रखा कोई भी बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। तो ओरिजिनली प्राइस हमने रखा इसका कितना, 1,000 रुपया सिर्फ, बट 50% डिस्काउंट हम दे रहे हैं, 499 रुपीज। बट और 100 रुपया आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या करना होगा, इस वीडियो के नीचे लिंक है उस पर क्लिक करिए, और नीचे ही मैंने डाल दिया एक प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड, जिसका अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए और इस कोर्स को अभी अवेलेबल कराइए, बिकॉज इंग्लिश में अगर आपका कमजोरी रह जाता है, ज़िंदगी भर आपको प्रॉब्लम आता है, डर लगता है, हेजिटेट होता है। आप लड़की कोई है वो इंग्लिश में बात करे, लड़का कोई है इंग्लिश में बात कर रहा है उससे बात, उनके पास जाने में डर लगता है, कहीं इंग्लिश में ना कुछ पूछ दे। सो अगर ऐसे सिचुएशन में आप पढ़ना नहीं चाहते, अभी इसको बाय करिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, अब बाय कर पाएंगे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आपके पास उसके आप बाय कर पाएंगे। सो अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अपना लिस्ट ऑफ कोर्सेस आफ्टर टेंथ में चलेंगे। और मैं आपको एक बोनस टिप जो बोला मैंने कि आफ्टर टेंथ केवल सिर्फ 2 साल का कोर्स करिए, उसके बाद बहुत गवर्नमेंट जॉब्स है, लॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, और गवर्नमेंट में ही लगा लो लगभग पैकेज जो है अप टू 10 लैक्स है। ये कौन सा कोर्स है मैं आपको बता दूंगा, आप समझ जाएंगे फिर। सो टेंथ के बाद क्या क्या कोर्सेस हैं आप कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर टेंथ कोर्सेस कौन कौन से कोर्सेस हैं, ठीक है जी, आफ्टर टेंथ कौन कौन से कोर्सेस हैं। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, लोग 12th करते हैं, 11th 12th जिसको हम बोलते हैं, प्लस टू करते हैं लोग। साइंस में कर सकते हैं, आर्ट्स में कर सकते हैं, और कॉमर्स में कर सकते हैं। ये हो गया पहला कोर्स, मेजोरिटी बच्चे इस कोर्स को करते हैं। दूसरा कोर्स लोग क्या करते हैं, छोटे शॉर्ट टर्म मेडिकल कोर्स करते हैं, टेक्नीशियन कोर्स कर लिया, ठीक है, कोई मशीन चलाने कोर्स कर लिया, 6 महीने का, 1 साल का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया, विच आई डोंट रिकमेंड। जॉब तो मिल जाएगा बट ग्रोथ नहीं मिलता है, ये प्रॉब्लम है। जॉब मिल गया मान लो 15,000 का, 1 साल आपने कोर्स किया, 5 साल भी वही 15 से 20 जाएंगे, आप 25 जाएंगे भी नहीं जा पाएंगे। तो कोर्स ऐसा करना चाहिए, जिस कोर्स करके आप ऐसे फील्ड में एंटर कर पाए जिस फील्ड में आपका सैलरी का ग्रोथ एटलीस्ट 10-15% हर साल बढ़े। ऐसे भी कोर्सेज इंडिया में हैं जिन फील्ड में सैलरी ग्रोथ इवन आप 100% भी ले सकते हैं शुरुआती दौर के करियर में। आप किसी का 1-2 करोड़ तो हो नहीं जाएगा, एवरेज में नहीं होगा, एक्सेप्शनल होता है, मतलब आपके भाई बंधु का हो गया तो सबका नहीं होगा। जैसे IITs में लोग बोलते हैं करोड़ों का पैकेज मिलता है, कुछ कुछ लोगों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। कुछ कुछ लोगों मतलब क्या है, 5%-10% लोगों को मिल गया, दैट इज़ अनफ, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता है। बहुत सारे IIT से पढ़ के बेरोज़गार भी होते हैं, सारे नहीं होते हैं। मेजोरिटी का जॉब्स अच्छा जगह लग जाता है, कितने परसेंट लोगों का, 80-90% लोगों का, ऐसे एवरेज में वैसा होता है। कभी कभी किसी साल में ज़्यादा हो गया, कभी भी किसी साल में थोड़ा कम हो गया, वो मार्केट सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है जी, ओके, इसलिए ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। तीसरा, आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा किस में भाई साहब, इंजीनियरिंग वाला डिप्लोमा आप कर सकते हैं,
ये अच्छा भी है बुरा भी है, इस पर बात करूंगा मैं, बात करता रहता हूँ। डिप्लोमा अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर मेरे बहुत वीडियोस मिलेंगे, आप उनको देख पाएंगे। आप डिप्लोमा के बेस पर मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, सब कुछ, तो आप उसको देख सकते हैं। तो डिप्लोमा में बहुत सारे कोर्सेज हैं, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा कौन कौन से कोर्सेज हैं। चौथा पर आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेसिकली इनके बारे में जानते नहीं है। ये अगर किसी को बहुत जल्दी जॉब चाहिए, ITI 2 ईयर्स वाला, ये आप कर लीजिए। सबसे अच्छा रिकमेंडेड ब्रांच मेरे हिसाब से क्या है, फिटर है सबसे बढ़िया ब्रांच मेरे हिसाब से ITI में। फिटर, इलेक्ट्रिशियन और एक अच्छा ब्रांच है, इनके जॉब्स बहुत निकलते हैं PSUs में, जिनके बेस पर आपका पैकेज कितना जा सकता है, अप टू 10 लाख भी जा सकता है। और ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, बिकॉज लोगों को पता भी नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा, आपने सुना होगा दो चीज़ के बारे में कि भाई साइंस में दो चीज़ हम ले सकते हैं, एक मैथ्स लेके पढ़ सकते हैं और एक बायो लेके पढ़ सकते हैं। अगर आपको बीटेक फील्ड में जाना है तब मैथ्स लीजिए, अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है लाइक MBBS करने का मन है, डॉक्टर बनने का मन है, तो आप क्या करिए, बायो लीजिए। हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस है, बायो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसके बाद मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो अगर मेजोरिटी वाइज बोलोगे ये चार चीज़ें लोग करते हैं, बट सबसे रिकमेंडेड मैं करता हूँ अगर लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा चाहिए, तो आप मैथ्स या बायो ले सकते हो। बायो लेके MBBS कर सकते हैं, जिसमें 1 लाख के आसपास सीट्स है इंडिया में। आप बीटेक कर सकते हो, अच्छे कॉलेज में बीटेक का टोटल सीट्स कितना होगा इंडिया में, 30-40 हज़ार है, ठीक है, इसके हिसाब से। डिप्लोमा कर सकते हैं, बट डिप्लोमा ITI करने का फ़ायदा तभी है, खासकर ITI ज़्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। डिप्लोमा मैं रिकमेंड भी करता हूँ, नहीं भी करता हूँ, वो सिचुएशन पर है, आपका सिचुएशन कैसा है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा लिस्ट ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज, फिर उस पर हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके पास आफ्टर 10th, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको हेल्प करेगा चूज करने के लिए कौन सा कोर्स को मुझे लेना चाहिए। आप मेरे को पूछते हैं बहुत सारे, सर आसान कौन सा है बताओ, सब आसान है। अगर थोड़ा एफर्ट डालेंगे अभी तो आगे आपको और फायदा मिलेगा लाइफ को अच्छा जीने के लिए। अभी बोलो मैं टाइम पास करूंगा, अपने पापा जी का बाइक लेके घूमूंगा, टिकेड़ियाँ लगाऊंगा इस गली उस गली, मोबाइल में गेम खेलूंगा, फालतू वीडियोस देखता रहूंगा, रील्स शॉर्ट, तो भैया आपका आगे का लाइफ जो है कुछ नहीं पता। तो आगे का लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अभी जो लाइफ है इसमें अपना टाइम को इन्वेस्ट करिए, खुद को बेटर बनाने के लिए। जो आप अभी हैं, कल आप जो होंगे, एक दिन में आपने नया क्या सीखा, खुद से क्वेश्चन पूछिए कि मैंने एक दिन में क्या नया सीखा भाई। एक जो मैंने दिन, मेरा दिन चला गया वापस तो नहीं आएगा, जो चला गया भाई चला गया, वापस नहीं आता। तो चला गया जो दिन है, आज जो चल रहा है, आज आपने नया क्या सीखा जो आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा। इस तरह कामों के लिए डेली कम से कम 10 घंटा अपने लाइफ का दीजिए, 8 घंटा सोइए, बाकी कामों के लिए 5-6 घंटा दीजिए, खाना पीना नहाना घूमना फिरना, ठीक है। एक सलाह है मेरी तरफ से आपको, ऑनलाइन गेम खेलने से बेटर है अब बाहर गेम खेलिए, बाहर रेस लगाइए, मतलब जॉगिंग करिए, वो आपका फिजिकली मेंटली शांत रखेगा और आपको अच्छा लाइफ जीने के लिए मदद भी करेगा। ऑनलाइन गेम खेलने से आपका मेंटल प्रेशर बढ़ता है, दुनिया भर का बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता है। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे रिसर्च इस पर हो चुके हैं, पर्सनली भी इसको मैं फील करता हूँ, बिकॉज़ मैं हर टाइम कंप्यूटर से बैठा रहता हूँ। अगर मैं बाहर नहीं जाता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए तो मेरे को खुद को प्रॉब्लम होता है नेक्स्ट डे अच्छे से फोकस रख के काम करने में। हालांकि मैं गेम तो नहीं खेलता हूँ, काम ही करता हूँ, तो अच्छे से फोकस होकर काम करने के लिए मेरे को हर दिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ता है, जिससे पसीना दर 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 ऐसे बहे। कभी कभी 1-2 महीना बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है तो हम कर नहीं पाते हैं, बट नेक्स्ट मंथ उसको हम कंपेंसेट कर देते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, आप मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर देखे होंगे, आप देखोगे 1 महीना पहले का और अभी का डिफरेंस आपको दिखेगा, बिकॉज लास्ट मंथ मेरे पर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाया। इस मंथ काम का प्रेशर है लेकिन मेरे को कंपेंसेट करना है वो जो मैंने 1 महीना अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करा।
समझे कहानी क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।